गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे ही निकल चुके हैं। तो अभी हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टूर है, आज पूरे दिन का टूर बनाया है। वैसे तो चाहते थे 2-3 दिन का टूर हो सकता था, बट हमारे पास टाइम नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए एक ही दिन का टूर बनाया। इसलिए अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे निकल गया हूँ। मैं, निधि, अद्वित तो निकल चुके हैं, अभी मयंक को लेना है, मयंक, शिवानी, सबको लेना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ना। उससे पहले एक और काम है, पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में। गाड़ी की गाड़ी का पेट्रोल फिनिश है, ख़त्म है, ज़्यादा कहीं जाता नहीं तो पेट्रोल ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए अब पेट्रोल भरवाऊँगा। उसके बाद मैं इनको लूँगा, फिर अपने डेस्टिनेशन पे चलूँगा, बताऊँगा कहाँ चला रहा हूँ। कुछ लोग दिल्ली आते हैं, हम उनके शहर में जा रहे हैं जो फेमस ब्लॉगर हैं। तो हल्द्वानी से भी आगे जा रहे हैं हम लोग, हल्द्वानी होते हुए और उससे अभी आगे जा रहे हैं। चलो लेट्स गो। क्या पीछे लूं? तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मयंक के पास, मयंक के घर के नीचे हैं, बस उसके आने का वेट कर रहे हैं। जैसे वो आएगा फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चलेंगे, उसका वेट कर रहे हैं। कब तक आएगा वो? दो आ चुके हैं और एक आना बाकी है अभी, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आ चुका है अपना मयंक, अब हम लोग चल चुके हैं। इस तरह मैप लगा, लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब चाय पीने के लिए रुके हैं चाचा चौधरी ढाबा पे। लगभग दिल्ली से 150 किलोमीटर है। तुझे क्या चाहिए? देख, पहले लॉक खोलो, अनलॉक करो, जूते में मत गंदा लगाना, ऐसे नहीं रुको, अनलॉक करो, अब खोलो, ध्यान से कुछ गिरे ना। उठाओ ऊपर, हटो, हो गया, हटो। घाट पे बैठ के चाय पी रहे हम लोग। जब बचपन में रहते थे तो ऐसे ही खाट हुआ करता था। अभी कभी ऐसे खाट पे बैठा है? नहीं, बैठा हूँ। कहाँ? नानी के घर। तेरे नानी के घर पे कहाँ से आ गया? ऊपर तो देखो, जस्ट 80
अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन, बस 80 किलोमीटर दूर है अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन से। थोड़ा सा ड्राइविंग चेंज हुआ है, मैम का ड्राइविंग पे आ गया है और मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। बहुत दिनों बाद है जब मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा हूँ, मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। ऐसा अक्सर होता नहीं है, नॉर्मली चाहे वो 1000 किलोमीटर हो तो मैं अकेले ड्राइव करता हूँ। मेरी आदत है ड्राइव करने की, मैं किसी को ड्राइव करने देता नहीं हूँ। आज पहली बार मैं ड्राइव कर रहा है मेरी गाड़ी। बाकी सब ये सब तो अपने आधे आधे नींद खींच खींच के बैठे पड़े हैं। मैं नहीं सोई, ये सबसे बीच में जो है यही सोई है, ये एकदम नहीं सोया और ये पूरा सोई है, वो थोड़ा सा सोई है, ये भी सोया है अच्छे खासे। तो दोस्तों अभी हम मेन हल्द्वानी में हैं, हल्द्वानी मार्केट में। ये है हल्द्वानी मार्केट। But gotta have it, I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice. तो हम लोग अभी भुजिया घाट पहुंच चुके हैं, नैनीताल रोड पे। इससे आगे हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम, जो सुबह से निकले थे कैंची धाम के लिए हम लोग निकले हुए थे। तो हम लोग अभी आगे ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर और बचा हुआ है कैंची धाम के लिए। तब तक यहाँ मैगी ऑर्डर किया हम लोग और मैगी खाने की तैयारी में है। मैं हूँ, ये शिवानी है, उसको तो पहचानते हो, मयंक है, इसको तो पूरी तरह से पहचानते होगे। कौन है तुम, अपना नाम बता दो। मेरा नाम सत्यम है। सत्यम है, वो सत्यम है, शिवानी का भाई है, शिवानी का भाई है वो। और ये इसको तो सबसे ज़्यादा लोग पहचानते होंगे, साई पर्सन। तो मैगी का ऑर्डर दे रखा है। पहाड़ों की मैगी सुनता हूँ अच्छा होता है, तो खाने के लिए पहली बार पहाड़ों की मैगी खा रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है, खाएंगे फिर बताएंगे। तो हम लोगों ने मैगी खाया अभी, मैगी जो पहाड़ पे, पहाड़ों पे जो मैगी मिलता है, थोड़ा सा मैगी था, चार मैगी, तीन चाय, 260 रुपया। इतने में तो हम दो मैगी में इतना सारा मैगी बना लेते घर पे बैठ के। बट पहाड़ों का मैगी का अलग ही मजा होता है। कैसा लगा मैगी? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी था, ठीक था, बहुत अच्छा था। कैसा लगा निधि? मैंने खाई नहीं, टेस्ट किया था तुमने? देखी, ठीक थी। चाय और थोड़े टाइम में जो चाय तो बहुत अच्छी थी ना। चलो कोई नहीं, ये इसको तो छोड़ दे, फोन पे भेजी है। चलो अब आगे चलते हैं ऊपर की ओर। ऑलमोस्ट हमें 35 किलोमीटर और जाना है कैंची धाम के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं, एक घंटा लग जाएगा। 10 बज चुके हैं, सुबह 4 बजे के निकला हूँ, 10 बज चुके हैं और एक घंटा भी और लगेगा वहाँ पहुँचने में। उसके बाद देखते हैं कैसे दर्शन करना है, क्या है मंदिर में, क्या सिस्टम है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस गाड़ी उठाया और हम लोग चले आए हैं। तो चलते हैं अब आगे।